हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग में। तो गाइस, आप सभी को आज विजयदशमी की ढेर सारे शुभकामनाएं, यानी कि आज दशहरा है। तो विजयदशमी के दिन मैं 9 दिन व्रत रहने के बाद किस तरीके से पारण करती हूँ, कैसे पारण करती हूँ, व्रत कैसे तोड़ती हूँ, ये A to Z पूरा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो के अंदर तक बने रहना, और हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो बगल में बेल आइकन, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो क्योंकि आप प्रेस करेंगे बेल आइकन को, तभी मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा, सबसे पहले आप देख पाएंगे। और हाँ गाइस, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी सब्जियाँ काटी, यानी कि आज विजयदशमी के दिन हम भगवान जी के, इनके माता जी को 5 तरह की सब्जियों का भोग लगाने वाले, उसमें खीर पूरी भी ऐड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बैंगन, आलू, कद्दू को भाजी के लिए धुल के अच्छे से काट लिए, आलू गोभी को भी धुल के काट लिए, कुछ टमाटर हरी मिर्च भी काट के रख लिया है। अब हम दाल में इसमें बनाएंगे अरहर की दाल। आप जब भी भोग बनाइएगा भोग के लिए दाल, तो चना या फिर अरहर या फिर मूंग की दाल ही बनता है, मसूर दाल ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक डाल के, पानी डाल के दाल को हम बैठा देंगे गैस पे। और जब भी वैसे दाल हम बनाते तो मिक्स दाल बनाते, 3-4 दाल मिला के, बट आज हम बनाएंगे भोग के लिए तो मैंने इसमें सिर्फ अरहर दाल को बनाया है। तो यहाँ पर बैंगन भाजी के लिए सिंपली हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिला लेना है। पैन में डालेंगे तेल, 1 बड़ी चम्मच तेल गरम होने के बाद 1-1 बैंगन को हम डाल देंगे। वैसे तो ये जो गोल वाला बड़ा बड़ा बैंगन आता है उससे बना जाता है भाजी, बट मिला नहीं था तो छोटे बैंगन से हम भाजी बना रहे। तो लाइट ब्राउन कलर होने से दोनों साइड पका लीजिएगा। सेम प्रोसेस उसी तरह हम आलू को भी भाजी बना लेंगे, ठीक है। दोनों साइड अच्छे से लाइट ब्राउन कलर होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे आलू को फ्राई किए सिंपल, उसी तरीके से हम कद्दू को भी दोनों साइड लाइट ब्राउन कलर होने तक, यानी सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और आप इस तरीके से एक बार बैंगन का भाजी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। इधर खीर के लिए मैंने पहले से दूध रख दिया, तो दूध में उबाल आ गई है। और चावल को मैंने खीर के लिए बहुत पहले से धुल के रख दिया था, चावल बहुत अच्छे से फूल गया है। खीर आप जब भी बनाएं तो चावल को कुछ देर पहले धुल के रखें, चावल फूलने से होता है, खीर का जो चावल होता है ना बहुत अच्छे से जल्दी पक जाता है। इधर हमारा देखो कद्दू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, उसको निकालेंगे। उसी पैन में थोड़ा तेल डाल के हम क्या करेंगे, जो गोभी काट के रखे तो उसको भी हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के। इधर खीर का जो चावल बहुत अच्छे से पक गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी आप खीर में तभी ऐड करें जब आपका चावल पक जाए, नहीं तो चीनी ऐड करने के बाद चावल गलेगा नहीं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने कच्चा नारियल, उसको मैंने पीस लिया था, यानी कि ग्राइंड कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। फिर थोड़ा सा इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है। वैसे भी खीर बहुत ही टेस्टी बना है, आप ना भी डालें ड्राई फ्रूट कोई बात नहीं, मेरे पास था इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है। तो खीर हमारा जो है बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसका जो गैस है, गैस का फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इधर गोभी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, गोभी को हम निकाल लेंगे। अब बैठाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई पर डालेंगे 2 बड़ी चम्मच तेल, तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा और 1 लाल मिर्च डालेंगे। फिर आलू को इसमें हम डाल देंगे, फिर 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर जो टमाटर हरी मिर्च हम काट के रखे तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। और मसाला में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा जो हम व्रत के लिए मसाला बनाए थे व्रत वाला मसाला, एक्स्ट्रा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल के बहुत अच्छे से इसको मिला के ढक के 5 से 6 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेंगे। जब आधा आलू फ्राई हो जाएगा, हाफ फ्राई होगा, तो इसमें हम जो फ्राई करके गोभी रखे थे गोभी को इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि गोभी में भी मसाला बहुत अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक धीमी आँच पे।
ठीक है, तो जब तक हमारा गोभी फ्राई होता है हम दाल के लिए तड़का लगा दें। तड़के के लिए 1 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता हम डाल देंगे। इसमें दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब तड़का रेडी है, अब दाल में डाल देंगे। फिर देखिए दाल भी हमारा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। दाल हमारा तैयार है, उधर खीर भी हमारा तैयार है। चलो देखिए सब्जी कैसा हुआ है। सब्जी तो मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो देखो सब्जी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम ढक देंगे। 3 से 4 मिनट तक पकने के बाद ये बहुत अच्छे से, जितना ग्रेवी हमको चाहिए परफेक्ट है। अब इस ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर पूरी भी हम फटाफट से छान लेते हैं। तो पूरी भी हमारा एकदम बन के रेडी है, फुली फुली पूरी बन के रेडी है। अब है बारी गाइस भोग निकालने के लिए, जो भोग भगवान जी के लिए भोग निकालेंगे। तो ये जो हम भोग भगवान जी के लिए बनाए हैं, ये भोग हम माता जी को चढ़ाएंगे, और ये माता जी का भोग चढ़ाने के बाद उसी भोग से हम पारण करेंगे, यानी कि व्रत तोड़ेंगे। अब देख सकते हो सारी भगवान जी के लिए जो मैंने बनाया है भोग लगाने के लिए, आल पूरी सब्जी भाजी दाल चावल खीर सब कुछ रेडी है। तो अब है देरी किस बात की, फटाफट से भगवान जी के लिए भोग की थाली निकालेंगे और उनके लिए भोग निकालेंगे। गाइस आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप 9 दिन व्रत रहने के बाद कैसे व्रत का पारण करते हो, कैसे व्रत तोड़ते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो हर साल नवरात्रि के बाद दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन इसी तरीके से मैं माता जी के लिए भोग बनाती हूँ। 5 या फिर 7 या फिर 9 तरह की सब्जी लगा के खीर पूड़ी बना के, उसके बाद उसी प्रसाद से पूजा करने के बाद उसी प्रसाद से हम पारण करके 9 दिन का व्रत समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।